जीत गई है और जीते आपने स्टूडियो पूछ ले बेईमान प्यारे जिसका इराद नहीं कोई और रब्बा मैनू रोकिए और जिसका इराद नहीं कोई और रब्बा खराब फसाए हो दी कमर है बहुत ज्यादा फसा दी हो इस गीत महाराज फसाना बहुत अच्छे से जानते हैं यार क्या इतना खराब फसा दिया दीपक महाराज ने जय हनुमान बढ़िया लगाया हो बढ़िया और लगाया क्या आपने गाने में मेहनत की है बहुत मेहनत की है भाई कि राम नाम सुन बे को नसिया इतना बढ़िया गाना दिया है इतना बढ़िया गाना दिया है कि क्या बताएं फिर कह रहे हैं लाल रंग लखा है प्यारा नहीं नहीं इधर से नहीं है कि राम नाम सुन बे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया और राम रसायल तुम्हारे पासा सदा रहो रघुवर के दासा अरे राम दुलारे तुम रखवारे और राम दुआरे तुम रखवारे तो फिर और राम दुआरे रखवारे कि देखो श्री मान हो गए मैया ने बताया तो वचन सुनाया तब सारे तन में सिंदूर लगाया लाल रंग लखा है प्यारा तो लाल हनुमान हो गए लाल रंग लखा है प्यारा तो लाल हनुमान हो गए चलिए इस बात को हम स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि ऊपर वाली लाइन में आपने दर्शा दिया है कि तब सारे तन में सिंदूर लगाया और लाल रंग लखा प्यारा माने होता है देखना और वो केवल देखने से लाल नहीं हुए देखने से केवल प्रसन्न हुए जब उनको मालूम चला कि प्रसन्नता होती है प्रभु को तब लाल हनुमान हो गए अपने संपूर्ण शरीर में सिंदूर लगाया लाल हनुमान हो गए बढ़िया बात लाए हो अच्छी बात लगी है तीन बातें लाई हैं आप काले हनुमान हो गए सोने के हनुमान हो गए और लाल हनुमान हो गए आइए कह रहे कि रंग तो बहुत है हम तीन ही ले रहे हैं ओहो बाकी के लिए आपको छोड़ रहे हैं बहुत बहुत आभार आपका कि आपने छोड़ दिया अगली बार वो भी ले लेना आइए जवाब सुनिए अब मामला इसमें यह है कि पूरा की चौपाइयों से बना हुआ है अब साधारण व्यक्ति होता कोई
तो बड़ी कठिन गीत था, बहुत कठिन गीत था, बड़ी कठिन विधा लगाई है, लेकिन आइए आइए गीत कह रहा है सुनिए। हाँ हाँ, काफी महीनों में लिखा गया है ये गाना। ले बेटा कंगरी भी बहनी हो गई, बिल्कुल दूल्हा राजा के मामा जी चाहर सिंह राजा और रोहित राजा परमार को 100 रुपया दे रहे ढोलक पर। बहुत बढ़िया बेटा, तुम्हारा भी धर्म के 3 ताल लगा के स्वागत कर दे। अब सुनिए जवाब सुनिए कि हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुं लोके उजागर और महावीर विक्रम बजरंगी कुमत दीवार सुमति के संगी। दुई हो गई कि हाथों बज्रो और ध्वजा विराजे कांधे मुंज जनेऊ साजे अर विद्यावान हो गुणी अति चातुर और राम काज हो करिवे को आत अर मिलने आए मिलने आए कभी। जब राम और लक्ष्मण बन बन भटक रहे थे सीता खोज करने के लिए, सीता की खोज करने के लिए, तो सुग्रीव ने भेजा कि जाओ हनुमान देखो ये वाली ने तो नहीं भेजे, ये तो वीर वाली ने तो नहीं भेजे, तो अरे मिलने आए कि मिलने आए कभी दूत बन गए तो श्वेत हनुमान हो गए। ठीक है, श्वेत हनुमान हो गए, श्वेत रंग श्वेत वस्त्र सब कुछ श्वेत था। मिलने आए मिलने आए मिलने आए कभी दूत बनते तो श्वेत हनुमान हो गए। मिलने आए कभी दूत बनते तो श्वेत हनुमान हो ये 51 रुपया, अरे क्षमा करे एक और है, ये 100 रुपया दुर्गेश गांधी जी के साथ बैठी हुई बहन नेहा शुक्ला जी है। हाँ हाँ। तो कीर्तन सीख रही है दुर्गेश गांधी जी से। हाँ हाँ। बहुत जल्दी एक आध कार्यक्रम करने वाली है और आगे चल के वो जवाब ही करेंगी, उनकी ओर से मेरे लिए भी 1 रुपया प्रदान हुआ है। बहन जी के चरणों में नमन वंदन है, आशीर्वाद की कामना है, अपनी कृपा दृष्टि और अपना आशीर्वाद हम बच्चों पर बनाए रखिएगा। कहना है तुम्हें उपकार सुग्रीव ही कीन्हा और राम मिलाए राजपद दीन्हा। लाइन कह रही है, यहाँ लाइन सिद्ध कर रही है। मिलने आए अरे मिलने आए कभी दूत बन गए तो स्वयं हनुमान हो गए। ये ले बात है, एक कलर हो गया आपका। हाँ हाँ, एक रंग आप ले ले। ये है सेटिंग की बात। अब आइए दूसरा कलर दिए। हाँ हाँ। अरे भीम रूप
धरो असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। और सुनो रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम्मो प्रिय भरत ही सम भाई। बात है गुरु, और सुन लियो किसन काट को ब्रह्माद बुनीसा, नारद शारद सहित अहिसा। और बताएं? हाँ। बताएं? बताओ और बताए। अर्शन का दिक ब्रह्मांड मुनीसा, अरे नारद शारद सहित अहिसा। चित्रकूट पैसनी किनारे की हरे हनु मान हो गए। क्या बात है, यह नहले पे दहला। चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। कैसी है तबीयत? ठीक ठाक है। और कठिन गाना अगला ना परिवार से। ये पहला ऑफर है अभी। आदरणीय हमारे दाऊ साहब कह रहे कि जैसे जो रहे हल्ला कर रात, ये थोड़ी कम करें हल्ला तो हम कम करवाएं दे रहे, लेकिन बंद तो ना करवा पा दी। इसी की कीर्तन विधा है, और जब तक ये नीचे वाले ना बोले ऊपर वाले हैं वो धई नहीं लग रहे। हमें दाऊ बोल में ही को मिला। एक रोजी रोटी ना बंद करवाओ अगर जी बोलेगा, लेकिन हम गा दे भी, आप चिंता ना करो। अरे दुर्गम चित्रकूट पैसनी किनारे, तोता बन गए हनुमान जी, तोता बन गए। चित्रकूट पैसनी किनारे की हरे हनु मान हो गए। अब एक कलर और निकाल ले। अब एक कलर कैसे निकाल, ये सुनो क्या महाराज निकाल रहे हैं, निकाल रही है, निकाल दो। चलो तो अरे दुर्गा में काजो सुगम अनुग्रह तुम्हरे ते ते। और बताए कि सब सुख है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को दे। सब पर राम तपस्वी राजा, और तिनके सकल तुम ये हरकत लगाइए। सीना फाड़ दिया, सभा के मध्य में सीना फाड़ दिया, और जब सीना फाड़ दिया तो नीलम भुज श्यामलम दिखाते। नीलम भुज श्यामल कोमलागम सीता समारोह पितपम भाग, इस तरह का आपने श्लोक सुना होगा। लेकिन जब भगवान ने हनुमान के हृदय में अपना प्रतिबिंब, अपनी मूर्ति, अपनी तस्वीर राम सीता के रूप में जब सीता और राम को हनुमान ने दिखाया, तो उस नीली परछाई के कारण भगवान हनुमान का पूरा शरीर नीला पड़ गया।
क्या? और जब नीना आ गया तो मेरी लाइन कह रही है नीलम भोजो श्याम लब दिखाते तो नीले हनुमान हो। और ये मेरा शिष्य है भाई कैलाश यादव, ये बहुत अच्छा कवि है, बहुत अच्छा राइटर है, बहुत अच्छा गायक है। 101 रुपए से उत्तर पंक्तियों पर दे रहा है शुभाशीष बेटा, सदो सुखी रहो। और ये 50 रुपया। और ये मेरा प्रिय ढोलक वादक है भाई नरेंद्र सिंह जी मनाफर, इसकी ओर से भी उत्तर पंक्तियों पर 101 रुपया है। और ये 50 रुपया छोटी सी कीर्तन मंडली की तरफ से है। क्या बात है, श्री अरविंद राजा कीर्तनकार जखरौन, राजकुमार और रागी ढोलक वादक, क्या बात है भाई, नंदगाए हल्के से, नंदगाए हल्के भैया और सम्मानी भैया राजकुमार जी, अरविंद राजा जी, आप सभी को मेरा आशीर्वाद, सभी को मेरा आशीर्वाद, अच्छे कलाकार बनो, अच्छे कीर्तनकार बनो, यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरा आशीर्वाद। और ये मुन्ने राजा खुदी बाबा की ओर से ढोलक पर प्रसन्न होकर के हमारे रोहित राजा परमार को 101 रुपया दे रहे हैं। और बेटा लग रहा है ये सौका हम भी तुमको दे दें। और रोहित राजा हमको दे रहे हैं। चल पड़ी, मतलब अब ये ऐसा लग रहा है कि 50-50 तुम लोगों को भी देना, हमारी भी होगी गोड़ी। और ये कैलाश यादव जी जो एक अच्छे राइटर है, अच्छे कवि है, और सत्य कह रहा हूं सतई क्षेत्र में ये आपको एक गौरव होना चाहिए। और ये आपको आज मालूम चलना चाहिए कि सतई क्षेत्र में एक से एक महान लेखक कवि हो गए हैं, ऐसे ऐसे कवि हो गए हैं कि जिनकी हम चरणों की धूल भी नहीं है, जिनकी हम चरणों की धूल भी नहीं, ऐसे ऐसे कवि हो गए क्षेत्र में। लेकिन एक लड़का ये भी आपका निखर के सामने आया है, आप इसको आशीर्वाद बनाए रखिएगा भाई कैलाश यादव जो कसार और रसपुरा निवासी है, उनकी ओर से भी रोहित राजा के लिए ये 51 रुपया मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और भाई ये 51 रुपया हमारी तरफ से हारमोनियम वादक एक बहुत अच्छा शिष्य मेरा बैठा है जो हारमोनियम वादन कर रहा है भाई राघवेंद्र मंचला, ये बहुत अच्छा कीर्तनकार है, उसके लिए भी मेरी ओर से है। तो कहना है अरे नीले हनुमान हो है। शाबाश बेटा, शाबाश।